नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों क्रिकेट जंगी की एक और नई वीडियो के अंदर। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल वालों की टीम यानी दिल्ली कैपिटल की नई स्क्वाड के बारे में, जो कि आईपीएल 2024 के अंदर खेलेगी। तो यार बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि दिल्ली कैपिटल ने ना बहुत सारे नए नए प्लेयर्स खरीदे और दिल्ली कैपिटल ने अच्छा दुनिया भर का पैसा फूका है इस वाली टीम के अंदर। इन्होंने 9 नए खिलाड़ी खरीदे हैं अपनी टीम के अंदर, जहाँ पे इन्होंने काफी नामी जामी विकेट कीपर कुमार कुशाग्र को 7 करोड़ 20 लाख रुपए के अंदर खरीदा है। साथ ही साथ दिल्ली कैपिटल ने वेस्ट इंडीज के प्लेयर शाही होप और साउथ अफ्रीकन के ट्रिस्टन स्टप को भी खरीदा। तो यार हम डिटेल में बात करते हैं कौन कौन से खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल ने खरीदे हैं और जो खिलाड़ी खरीदने के बाद दिल्ली कैपिटल की जो स्क्वाड है वो किस तरीके से बन जाती है। सबसे पहले सबसे महंगे खिलाड़ी हैं कुमार कुशाग्र, जिनको खरीदा है 7 करोड़ 20 लाख के अंदर। देन उसके बाद आते हैं जाय रिचर्डसन, जिनको 5 करोड़ रुपए के अंदर खरीदा गया दिल्ली कैपिटल द्वारा हमारे आईपीएल के ऑक्शन के अंदर। देन आते हैं हैरी ब्रुक, उनको खरीदा गया 4 करोड़ रुपए में। देन उसके बाद ऑलराउंड प्लेयर सुमित कुमार, जिन्होंने खरीदा गया 1 करोड़ रुपए में। शाही होप को खरीदा 75 लाख में। ट्रिस्टन स्टब 50 लाख, रिक्की भुई 20 लाख, स्वास्तिक चिकारा 20 लाख, राशिक दर 20 लाख। तो ये थे गाइस वो 9 खिलाड़ी जिनको दिल्ली कैपिटल ने खरीदा इस वाले आईपीएल के ऑक्शन के अंदर। हम लोग बात कर लेते हैं इन सब खिलाड़ियों को मिला के दिल्ली कैपिटल की जो स्क्वाड है वो किस प्रकार है। अब दिल्ली की कैपिटल की करंट स्क्वाड कुछ इस प्रकार है, जहाँ पर हमारे पहले आते हैं हमारे कैप्टन ऋषभ पंत, देन प्रवीण दुबे, डेविड वार्नर, विकी ओसवाल, पृथ्वी शॉ, अनरिच नॉटजी, अभिषेक पोरेल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, लुंगी नगेडी, ललित यादव, खलील अहमद, मिचेल मार्श, ईशांत शर्मा, यश ढल, मुकेश कुमार, हैरी ब्रुक, ट्रिस्टन स्टब, रिकी भुई, कुमार कुशाग्र, राशिक दर, जाय रिचर्डसन, सुमित कुमार, शाही होप और स्वास्तिक चिकारा। तो आज नए खिलाड़ियों को खरीदने के बाद ये है हमारी दिल्ली कैपिटल की करंट स्क्वाड, जहाँ पर हमें कप्तानी करते हुए दिखेंगे ऋषभ पंत, जो कि काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर है, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमें दिल्ली कैपिटल के अंदर डेविड वार्नर भी खेलते हुए दिखेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। नामी जामी विकेट कीपर कुमार कुशाग्र हमें विकेट कीपिंग करते हुए दिखेंगे इस वाली टीम के अंदर, जिनकी विकेट कीपिंग देखने में काफ़ी लाजवाब होगी। और इनका इतना ज़्यादा नाम है विकेट कीपिंग के अंदर, इसीलिए दिल्ली कैपिटल ने उनके ऊपर 7 करोड़ 20 लाख रुपये खर्च करे हैं। वहीं पर अगर थोड़ा पास को देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल की जो बैटिंग है काफ़ी अच्छी रही है पास से ही, बट दिल्ली कैपिटल एक जगह थोड़ा सा लैक करता है, वो थोड़ा सा बॉलिंग सेगमेंट है, जहाँ पर दिल्ली कैपिटल को थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। बट इन नए खिलाड़ियों के साथ उम्मीद है कि दिल्ली कैपिटल इस साल अच्छा इंप्रूवमेंट करेगा अपने बॉलिंग सेक्टर के अंदर भी। तो ऐसे थे क्विक ट्वीट दिल्ली कैपिटल के न्यू स्क्वाड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक मार देना, हमारे चैनल क्रिकेट जंगी पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब मार देना, आपको लेटेस्ट क्रिकेट से न्यूज़ मिलती रहेंगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।